वीरवर सीमा के क्या अहवाल है? राजन, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल हैं, तो राजन मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं। किसी मोबाइल सेना है राजन लगी सीमा जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। वेदांती सम्राट, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निधि सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई क्या आतंकवादी हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता, और यदि कोई प्रवेश करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा। क्योंकि राजन हमारे पास सेना काफी है, जैसे कि बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान जवान अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है राजन। महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाज सलामत है, लेकिन आज जो शनि दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खन्नक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई, आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, शायद भगवान को यही मंजूर रहा होगा, देखना पुनः एक दिन आपकी आंखों में रोशनी अवश्य आ जाएगी। महाराज महाराज आप चिंतित ना हो, क्योंकि आपकी आंखों का इलाज चल रहा है, देश विदेश के डॉक्टर आ रहे हैं और आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और उन्होंने महाराज के आंख का इलाज किया है और महाराज जी के आंखों में जो पट्टी लगी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह
महाराज जी के आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। क्यों नहीं आइए दुर्गा सिंह। राजन आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए राजन हम लोगों को आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए हुजूर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। नहीं दुर्गा सिंह मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। महाराज आप परेशान मत हो, लोग भी डॉक्टर बुलाएंगे। अब क्या होगा, ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा, हमारी प्रजा की देखरेख कौन करेगा। महामंत्री दुर्गा सिंह हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी महल जाओ और महल जाकर महाराज के आदेशानुसार महाराज के समस्त परिवार को लाकर महाराज के पास पेश किया जाए। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला जी भैया तू कहाँ है बहना? भैया मैं आपके पास खड़ी हूँ। मेरी बहन आज तू मेरे समक्ष खड़ी है लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया रुको बुलवाए हो मुझको ऐ दिले हजार, बतलाओ क्या काम पड़ा भैया। आप मुझे क्यों बोले?